किसी ताबई को सरों की लाश कहां पड़ी और तो मिस्र में पड़ी रही मगर किसी ताबई को इमाम बोनी में कोई इसका पता नहीं था। इमाम शाफई मिस्र में रहते थे मगर उनको पता नहीं था तो वो इधर सरों की लाश। ये तो आज से पता 80 साल पहले जब खुदाई की गई एहराम देखे गए तो सरों में कराया, फिर कुरान को देखा गया तो कुरान ने उसकी तायद कर दी। तो मैं आ गया बातें तो तहकीक जू जू आगे बढ़ती है। चांद पर गए तो मैंने खुद मोतबर है आलम इस्लामी का एक को मुजल्ला पढ़ा था जिसमें लिखा था चांद पर कैसे पहुंचे, ये कुरान के खिलाफ है। उस पर उलमा ने बहस की और ये तय पाया था चांद पर पहुंच गए हैं जो रेशम खलाबाद में गए थे उनका कुरान में है। पर वो सारे एहराम भी किए थे कुरान में है, वो चांद को आसमान में ये तो आसमान में नीचे है। बोले कहा नहीं कुरान में आप तहकी करें कुरान इमाम मौजूद है तो आसमान आपके सर के ऊपर जो भी है वो आसमान है। माँ अल्लाह सवाओ आपके सर के ऊपर जो भी है वो आसमान है। ये जरूरी नहीं कि नीली छत में नजर आ रही है ये आसमान, ये नहीं है। फिर ये इतराज किया वजह कि भाई ये सूरज चांद को आसमान के अंदर है फी तरफियत के लिए आती है। आप पहले डल के फी बना अंदर अलमा डल पानी का ऐसी बात नहीं है। मोहतबर का मैंने खुद पढ़ा था कहा भाई कुरान में वजह शब्द बल कमर फी वो अंदर नहीं है बल पहर उन्होंने मुआवजा भी किया है बार मकाम कहा जाए उनकी सही बात सही समझा है मगर मौलाना ने बहस आलिम के चूंकि वो आलिम आदमी तो अपने मौका पर ज्यादा कायम रहता है उसमें मौलाना ने जो मुआवजा किया है वो बड़ा अच्छा मुआवजा है बड़ा मुदल्लिल अंदाज में मुआवजा किया है। लिहाजा उनके थीसिस को मुमकिन हो सके हालात के तहत करूँगा उनके थीसिस को आगे भेजा जाए और उनका काम तहसीन है। मैं इन चंद अल्फाज से अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.